तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, नंबर को सेव करके कुछ भेजने से पहले पहले नंबर के भेजने के लिए जो नियम है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर कौन देखेगा, कौन मैनेज करेगा, और साथ में क्या आपको भेजना है क्या नहीं भेजना है, पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, कल शाम को मैंने ये वीडियो डाला हुआ था, व्हाट्सएप नंबर के बारे में आपसे फीडबैक मांगा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 12,000 लोगों ने देखा हुआ है, और यहाँ पर जो है लगातार कमेंट आ रहे हैं, और 150 लोगों से ज़्यादा लोगों कमेंट आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी कमेंट आए हुए हैं उसमें से 99.9% जो कमेंट है जो पॉजिटिव है। सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं एक व्हाट्सएप नंबर जारी करूं, और जो भी उनकी समस्या है और उनके परियोजना के हड़ताल की वीडियो है, अगर दिल्ली वो गई हैं उनके हड़ताल की वीडियो है, या फिर उनका कुछ ऐसा रिक्वेस्ट है जो अन्य सेविका सहायिका बहनों से वो वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाहती हैं, मेरे चैनल पर भेजना चाहती हैं, या उनके पास ICDS का कोई ऑफिशियल लेटर है, संघ का कोई पत्र है, आपके आंगनबाड़ी परियोजना की कोई खबर है, ड्रेस पोषाहार पोषण ट्रैकर के संबंध में कोई रिलेटेड न्यूज़ है, तो आप सीधे मुझे अब भेज सकती हैं। मैंने यह फैसला क्यों लिया, क्योंकि देखिए 150 से ज्यादा कमेंट आए हुए हैं। यहां पर देखिए जो कमेंट आपको यहां दिखाई दे रहा है, सब में जो है सबके लोगों द्वारा यस कहा गया। यहाँ पर देखिए, जरूर लेकर आइए, जरूर व्हाट्सअप नंबर लेकर आइए, यहाँ पर देखिए नंबर जारी कीजिए, नंबर जारी कीजिए, नंबर जरूरी, ऐसे करके जो है बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे जो है संघ का नेता तक बना दिया है, लेकिन मैं बता दूँ अभी मैं संघ वगैरह से कोई मेरा फिलहाल मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि आपकी आवाज़ के लिए, आपके हक के लिए वीडियो के माध्यम से सरकार तक या अन्य वर्कर्स तक एकजुटता के लिए जो भी काम हो पाए मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फाइनली आपको देख पा रहे हैं कि जरूर नंबर आप जारी किए जाए, जरूर ऐसा होना चाहिए, बहुत जरूरी है व्हाट्सएप नंबर जारी करें, जारी करें। वैसे लगातार कमेंट जो है कल से ही आ रहे हैं, जब से मैंने वीडियो डाला हुआ 150 ज़्यादा कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं आ रहे हैं, कोई भी कमेंट आपको निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। फाइनली वीडियो में आगे देखिए, मैं नंबर जारी कर रहा हूँ। तो फाइनली अभी आपने वो पूरा कमेंट देख लिया, मैंने वहाँ पर दिखाया लगभग 150 के आसपास कमेंट है, 99% से ज़्यादा कमेंट जो है वो इस बात को लेकर के हैं कि नंबर बहुत ज़रूरी है, नंबर आप जारी कीजिए। फाइनली नंबर मैं यहाँ पर आपको रिवील कर देता हूँ, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, ये नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर जो इस नंबर पर आपको कॉल नहीं लगेगा, एक बात आप ध्यान दीजिए। और ये नंबर जो है ये किसी स्टाफ के पास रहेगा, वहाँ से अगर आपका कोई आपके पास कोई ऑफिशियल लेटर हो, या फिर आपके परियोजना आपके जिले का कोई आंगनबाड़ी से संबंधित न्यूज हो, कोई अपडेट हो, या आंगनबाड़ी का लेटर हो, या संघ का कोई पत्र हो, इसके अलावा जैसे कि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका कोई वीडियो हो, आपके परियोजना में धरना प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी बहनों का कोई वीडियो हो, या कोई जरूरी अपडेट हो, या किसी आपका खुद का वीडियो हो जो आप अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंचाना चाहती हैं कि हड़ताल में कैसे शामिल हो नहीं हो, सरकार से रिक्वेस्ट के संबंध में कोई वीडियो हो, या फिर आप गीत के माध्यम से अन्य सेविकाओं बहनों को प्रेरित करना चाहती हैं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, और लड़ाई में शामिल हो, हड़ताल में शामिल हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भेजनी है। मैं फिर से कहूँगा यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप कॉल भी नहीं करना है, बाकी जो भी होगा वो स्टाफ के द्वारा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आप व्हाट्सअप नंबर देख पा रहे हैं, 94716 और 70624, आपको इस नंबर को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप कुछ भी मैसेज भेज सकती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा पर्सनल मैसेज आपको नहीं भेजना है। सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपके हक के लिए, आपकी लड़ाई के लिए, आपके परियोजना की खबर, आपके परियोजना की वीडियो, साथ में दिल्ली में धरना प्रदर्शन का, या फिर आपके आते जाते समय जो भी आपकी लड़ाई हो रही है उसके रिलेटेड जो भी अपडेट है मैं लेकर आने की कोशिश करूँ। तो फाइनली आई होप अब आपको मोबाइल नंबर के रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी, कैसे क्या मैसेज करना है और ये मैसेज किसके द्वारा देखा जाएगा। उम्मीद है कि मैसेज करने में या फिर आप कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज में जो भी रिलेटेड ICDS के काम हो वही आप मैसेज करेंगे। तो यही थी वीडियो आज के लिए व्हाट्सअप नंबर के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे नंबर लोग मांग रहे थे और लगातार कमेंट आ रहे थे, तो आप लोगों के रिस्पॉन्स के बाद ही नंबर जारी किया जा रहा है। मैं उम्मीद करूँगा जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। फाइनली इस वीडियो को अन्य वर्कर के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए और उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वह भारत के किसी भी राज्य से वो भेज पाए। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।